डीजीपी सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इस तरह के बाबा हमने हिंदुस्तान में न जाने कितने देखे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर व्यक्ति जानता उसके राज्य में या उसके मोहल्ले में कोई ऐसा आश्रम होगा जहां पर इस तरह के बाबा कोई समोसा खिला रहा होगा, कोई चटनी खिला रहा होगा, और कोई ये कह रहा होगा कि यहां पर आओ, ये चाय पीने से चमत्कार हो जाएगा। इनको पकड़ा क्यों नहीं जाता है? ये खुद भगवान बन जाते हैं। सुचरिता जी, बड़ा मौलिक सवाल है आपका, बड़ा मौलिक सवाल है आपको। अगर श्रृंखला तरह आसाराम, राम रहीम, नित्यानंद, इच्छाधारी बाबा, और मैं गिनाता चला जाऊंगा, राधे बा आदि। अब वर्तमान केस में आप ये देखें, ये ढोंगी बाबा पुराना यूपी पुलिस का कांस्टेबल है, यौन अपराध के ऊपर इसके आरोप है, जमीन कब्जाने के आरोप है, और एक बच्ची को जिंदा करने का इसके ऊपर आरोप है, और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के ऊपर मुकदमे चले। इस शातिर दिमाग के आदमी को बाबा कहने, लेकिन मुझे स्तब्ध में इस बात का कि इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब सेवादार सुचरिता जी आपके थे या मेरे थे? जिसके सेवादार थे, ये तो वही बात है कि बारात में आपने बारात के चौकीदारों को तो पकड़ लिया, दूल्हे को पकड़ा ही नहीं। दूल्हे की आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है? और ये बिल्कुल सही है कि एक होता है प्राइमा फसाई, और प्राइमा फसाई यानी प्रथम दृष्टया डीएमएसएसपी की जिम्मेदारी है, और 125 लोग जहां मरे हैं, डीएमएसएसपी के ऊपर कार्रवाई ना हो, मैं जानना चाहूंगा क्या मजबूरी है, क्यों नहीं उसमें कार्रवाई हो रही है? सबसे पहली जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। आपने लापरवाही की पराकाष्ठा, ये तो वही बात हुई। अर्ध कुंभ आपने ठीक कराया, कुंभ आपने कराया, पार्लियामेंट असेंबली के इलेक्शन आपने कराए, कांवड़ मेले आपने कराए, मुहर्रम आपने निकाला, लेकिन यहां पर एमएससी फर्स्ट डिवीजन पास और दर्जा दो में फेल हो गए। मैं एक सवाल अश्विनी दुबे जी से पूछूंगी, क्योंकि आज हम बहुत से पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। सियासी चर्चा मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ये चर्चा इस बात से जुड़ी हुई है, और आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं, वो मैं उम्मीद कर रही हूं कि चाहते हैं कि आम लोग इस तरह के बाबाओं के पाखंड से बच पाए, और इसीलिए उसमें रोल एक एक्स डीजीपी का भी है, उसमें रोल एक बड़े वकील का भी है। पवन सिन्हा जी तो हम देखते आए हैं कि किस तरह से लोगों का एक मार्गदर्शन करते हैं, तो पवन सिन्हा जी आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए मैं पहले एक बार अश्विनी जी से पूछूंगी। अश्विनी जी से जरा बताइए, बार बार ये कहा जा रहा है कि बाबा के नाम पर तो एफआईआर नहीं है, एफआईआर नहीं है तो उन्हें कैसे अरेस्ट किया जाए, उन्हें कैसे पकड़ा जाए? अरे इस तरह का जो गोरख धंधा हो रहा है, उसके सेंटर में, उसके केंद्र में जो व्यक्ति है, क्या वो गुनहगार नहीं है? मौत का प्रवचन सुनने के लिए, किसके मौत का प्रवचन सुने? मौत का प्रवचन देने वाले उस बाबा का प्रवचन सुनने के लिए लाखों की भीड़ आई। आयोजक मंडल की भी जिम्मेदारी होती है, बाबा की भी जिम्मेदारी होती है कि ये इन्फॉर्म करे एडमिनिस्ट्रेशन को। जब 80,000 की परमिशन लाई दी गई तो 2.5 लाख लोगों का वहां पहुंचना प्रथम दृष्टया साबित करता है आयोजक मंडल की तरफ से, और मौत का प्रवचन दे रहे उस बाबा की तरफ से जो डिसीटफुल लोगों को, भोले भाले लोगों को बहका कर, फुसला कर, गलत दावा दिखा कर, गलत क्लेम करके एक भीड़ में आने के लिए। ऐसा नहीं कह सकते आप फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई चमत्कारी भगवान वहां उत्पन्न हो गए, ईश्वर। एक डिसीटफुल क्लेम करने वाला नवरंगी कपड़ों में बैठा व्यक्ति जो ये कहता है कि मेरे पास असीम शक्तियां हैं, जो सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाता, जबकि मैंडेटरी होता है ऐसी चीजों को exactly. और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सुचारिता जी बाहर की है, घटना के लिए जिम्मेदारी इसलिए बाबा की, क्योंकि अंदर की व्यवस्था उस बाबा की ही थी, बाबा की ओर से की जानी थी, बाहर की कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी एक फर्स्ट टाइम कह सकते हैं पुलिस प्रशासन की। उसके अलावा सिर्फ आयोजक मंडल नहीं, किसको देखने के लिए आए? और सबसे बड़ी चीज जो रेस्क्यू की बात थी, उसी समय अपने 5,000 की फौज के साथ इस पाखंडी का वहां से निकलना, यह साबित करता है कि वो लिस्ट बॉदर्ड है उन लोगों के लिए जिनको वो भोले वाले लोगों को अपनी तरफ जो है आकर्षित कर रहे हैं अपने लोक लुभावने झूठी बातों से। ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, ये एक ऐसी घटना है, दर्दनाक घटना है, हादसा नहीं है, सैकड़ों की मृत्यु हुई है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति अमानवीय और नेताओं की असंवेदनशीलता को दिखाती है। सुचारिता जी, बड़ा गंभीर मसला है, एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं बना था। आदरणीय विक्रम सिंह जी हैं यहाँ पर, उनसे पूछिए, आदरणीय पवन सिन्हा जी हैं उनसे भी पूछिए, भाटी साहब भी, अनिला जी हैं, आने जाने के लिए जहां रास्ता नहीं बनाया गया हो, एक कच्चा रास्ता हो, प्रथम दृष्टया यह साबित करता है कि फेलियर था वहां पर। 2.5 लाख लोग पहुंच जाए,
और दूसरा आयोजक फरार हो जाए। yes. आयोजक के साथ ये प्रवचन देने वाला, जो डिसीटफुल प्रवचन देने वाला, जैसे उन्होंने कहा कि ब्लैक मैजिक का हमारे यहाँ जो बैन है, लॉ जिसको नहीं परमिट करता है, वो आता है सीसीटीवी फुटेज नहीं होता, क्या चमत्कार अधिकार है। बात है, मैं आपको बताऊं पवन सिन्हा जी, मैं आपसे आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप एक तरह से अपने आपके आश्रम में बहुत से लोग आते हैं, वो बहुत से सवालों के साथ आते होंगे। देखिए, क्योंकि आध्यात्म का सवालों से तो जुड़ाव है ही, तो बहुत से सवालों के साथ आते हैं, तो क्या उन सवालों के जवाब में आप उन्हें ऐसी चाय पिलाते हैं जिसके बाद उन्हें भगवान दिखने लग जाते हैं? क्या आप उन्हें समोसा खाने को कहते हैं जिसकी चटनी के खाने के बाद सारे उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं? ये पाखंड है। बिल्कुल ठीक है आपने, ये 100% ऐसा कितनी संभव है, धरती के ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो एकमात्र शक्ति है वह है ईश्वर। हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाए, उसे मनोबल दे और उसका ज्ञान बढ़ा के उसको ईश्वर की तरफ प्रवृत्त करें। हम अपनी तरफ प्रवृत्त नहीं कर सकते, हमारे नियम बड़े सख्त हैं, हम कभी भी भगवान के रोल में हो ही नहीं सकते। हम केवल एक सत्संग होल्ड कर सकते हैं जिसमें प्रश्नों का उत्तर दिया, ज्ञान दिया और कहा कि अब आगे की बात ईश्वर जाने, और मेडिकल प्रॉब्लम है तो चिकित्सक जाने, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ तो मुझे उसको कहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, अब इसके लिए आप किसी योग्य चिकित्सक से चिकित्सा सलाह लीजिए। तो ये शेयर पाखंड है जहाँ व्यक्ति खुद भगवान बनता है और कहता है मेरी धूल ले लो तो ये हो जाएगा, मैं जल डाल दूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। कर्ता भाव केवल एक ही व्यक्ति पर है और वह ईश्वर। रही बात वहां के सिस्टम की, हालांकि हमारे आदरणीय डीजीपी साहब इस मामले को बहुत अच्छे से समझाएंगे, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मल्टीपल एंट्री होनी चाहिए, मल्टीपल एग्जिट होनी चाहिए और छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए होने चाहिए जिसमें भीड़ को उस घेरे के अंदर रखा जाए। मान लीजिए एक जगह स्टैम्पीड होती है तो वो एक ही पॉकेट अफेक्टेड होगी, वो पूरा पंडाल अफेक्टेड नहीं होगा। ऐसा ये नहीं, प्राइवेट आर्मी वाली जो बात है, मैं एक चीज इसे पूछना चाहूंगी, क्या इसमें किसका रोल है? डीजीपी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पे सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लोग बैठे हैं और ये स्वाभाविक है कि सियासत में इस तरह के मामले उठते हैं तो एक तरह से दोषारोपण होता है, लेकिन जिम्मेदारियां सबको अपनी निभानी होंगी। बाबाओं की वाहवाही करने वाले लोग नहीं बच के जा सकते हैं, और बाबा इतना बड़ा आश्रम चला रहा है जिसमें 5,000 की प्राइवेट आर्मी चल रही है, पुलिस को वहां आने नहीं दिया जाता है, तो सरकार क्या कर रही थी, सवाल ये भी उठेंगे। सुचरिता जी, सबसे पहले कानून समझ ले, ये बाबा के बाउंसर्स हैं जिनको हम प्राइवेट आर्मी कह रहे हैं, ये बाउंसर्स हैं। exactly. और ये भी दूसरे, ये छोटे गुंडे हैं और इनका कोई औचित्य नहीं है कि पुलिस, और पुलिस के वो पुलिस क्या है जो अंदर घुस के कहे कि तुम निकल जाओ यहाँ से, सारा इंतजाम हमारा। गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही, पवन गुरु जी ने, कि आपको चाहिए एग्जिट प्लान, एंट्री प्लान, इमरजेंसी कंटिंजेंसी प्लान, हर जिले में एक होती है कार्य योजना, जो होता है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंटिंजेंसी प्लान, उसका पूर्वाभ्यास होता है हर महीने और ये सुनिश्चित किया जाता है कि इन हालात में ड्यूटीज, वॉच टावर्स, कंट्रोल रूम और आपकी एसओजी और रिजर्व्स कहाँ रहेंगे, मेडिकल इमरजेंसी क्या रहेगी, ग्रीन कॉरिडोर कहाँ रहेगा कि इस तरीके की इमरजेंसी आने पे आप तत्काल लोगों को किस चिकित्सालय में ले जाएंगे, क्या व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ तक कि एयर लिफ्ट एयर एम्बुलेंस का भी व्यवस्था होती है। यहाँ आपने देखे सुचरिता जी, लगता है उन्होंने 80,000 कहा, आपने मान लिया, जबकि हर थाने में त्यौहार रजिस्टर होता है, LIU की रिपोर्ट होती है। इस बाबा जिसके ऊपर दो बार अपने एप्लीकेशन से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के केसेस हैं, ये तो LIU को दे देना चाहिए था, ये आदमी झूठा है और कहेगा 80 मगाएगा 3। अच्छा, हमने मान लिया बाबा झूठ बोला, और 2.5 लाख आदमी जब सुचरिता जी इकट्ठा होते हैं तो 8 घंटे लगते हैं, उस 8 घंटे में क्या स्थानीय पुलिस LIU ने, क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे? कोई भी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स वहां पर रीइंफोर्समेंट कंट्रोल कंटिंजेंसी प्लान वहां पर रीइंफोर्समेंट भेजती, 2 कंपनी PAC भेजती और वहां CCTV वॉच टावर लगाते, लेकिन ऐसा सुचरिता जी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं किया? क्या ये बिल्कुल ही किंग कर्तव्य विमूर थे? क्या वो भी उस सम्मोहित हो चुके थे? अरे मैं तो समझ रहा हूँ, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बड़ा निराश हूँ इस तरीके की व्यवस्थाओं के ऊपर।